हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज 18th सेशन ऑफ रिएक्शंस ओनली। वेलकम टू 18th सेशन। इन दिस सेशन वी विल सी एडिशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। वी विल बिगिन विथ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ इथीन। व्हेन इथीन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट, इट्स इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग alkanes. Here we are adding hydrogen to unsaturated hydrocarbons. This reaction is also called a hydrogenation reaction. Hydrogenation can be done in two ways. In our syllabus we are studying two ways of hydrogenation. एक तो हमने जिसमें hydrogen और nickel और palladium catalyst use करके उसको heat किया है, दूसरा रिडक्शन है बर्च रिडक्शन। फ्रेंड्स, नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ये एक ग्रेट साइंटिस्ट था बर्च जिसने इसको इन्वेंट किया है, बर्च रिडक्शन उसके नाम से ये रिएक्शन को नाम दिया गया है। बर्च रिडक्शन में मेन हीरो कौन है तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, विच इज की थिंग इन द रिडक्शन टू हैपन। इसमें होता क्या है, अल्कीन को सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एंड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल लाइक इथेनॉल रिएक्ट किया जाता है, एंड ये जो अल्कीन है करस्पॉन्डिंग अल्केन देता है। दिस इज कॉल्ड एज बर्च रिडक्शन। मेन हीरो इन दिस रिएक्शन इज लिक्विड अमोनिया सॉरी मेन हीरो इन दिस रिएक्शन इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल लाइक इथेनॉल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी विल सी ब्रोमिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ब्रोमीन के बारे में एक इंटरेस्टिंग थिंग बताना चाहूंगा दोस्तों। इस ब्रोमिनेशन के टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं। ब्रोमीन ये एक ऐसा सब्सटेंस है, इसको अगर आप हाथ पे लेंगे, ब्रोमीन इज अ रेडिश लिक्विड, तो क्या होता है ये हाथ से सीधा नीचे आके गिर जाता है। कैसे, होल करके। वो इतना डेंजरस रहता है ब्रोमीन, अगर समझो यूज करते करते पैर पे गिर गया तो पैर में होल करेगा, हाथ में हमने इधर रख दिया तो ये पूरा स्किन बोन से पास होके नीचे से गिर जाएगा, इतना वो डेंजरस रहता है ब्रोमीन। तो उस रिएक्शन के लिए, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट वाली रिएक्शन के लिए ब्रोमीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, जो कि ब्रोमीन अनसैचुरेटेड। ये ब्रोमीन रिएक्शन इज ऑल्सो यूज एज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर हाइड्रोकार्बन्स। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो रिएक्शन को, जब इथीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये एक इसके दोनों एटम, दो कार्बन अनसैचुरेटेड अनसैचुरेशन जिधर है वो दो कार्बन को जाके अटैच हो रहे हैं, तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसे, क्योंकि ब्रोमीन जो रहता है वो रेडिश लिक्विड रहता है, जब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट हो जाएगा तो उसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा, वेयर एज अल्केन्स वोंट शो दिस रिएक्शन बिकॉज उसमें ऐड होने के लिए अल्केन्स को जगह ही नहीं है, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पड़ेगा, तो ब्रोमीन कैन नॉट बी यूज्ड ओवर देयर। Hence, if we use bromine as distinguishing material with unsaturated compounds, it decolorizes, where with saturated compounds, it shows no reaction. This is how bromine can be used to distinguish unsaturated hydrocarbons. One more interesting reaction is there. All of you must have heard dalda or vanaspati ghee. Vanaspati ghee kya hota hai? Jab vegetable oil को हम हाइड्रोजिनेशन करके सैचुरेट करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं डालडा। वेजिटेबल ऑयल क्या रहता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स क्या रहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं। इसको हीट करके हाइड्रोजिनेशन करके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलने वाले है उसी को हम डालडा यानी वनस्पति घी कहते हैं। बटर और ऑयल को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ब्रोमीन टेस्ट यूज कर सकते हैं, और ये जो वनस्पति घी या डालडा है, इट इज नॉट दैट गुड फॉर
health, whereas vegetable oils are very good for health. So this was all about bromination of alkenes. Friends, now we will see halogenation. Using hydrogen halides like HCl or HBr. Friends, as far as alkenes are concerned, इनका halogenation हम HCl HBr use करके करते हैं, जैसे कि CH2 plus HCl, ये reaction अगर हम करते हैं तो हमें सैचुरेटेड अल्किल हैलाइड मिलता है, दैट इज CH3Cl. CH3CH2Cl. तो फ्रेंड्स, ये तो केस हो गई व्हेन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज सिमेट्रिक अबाउट डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड के दाए और बाए उतने ही कार्बन आइटम्स है, तो ये एक हाइड्रोजन इधर लगाओ या इधर लगाओ, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. बट व्हेन वी हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स तो उसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं उसमें क्या होता है. When we react unsymmetrical alkene with hydrogen halide like HBr, HBr है तो इसमें एक तो positive part है एक तो negative part है, तो ये जो hydrogen वाला part है positive, जिधर ज्यादा hydrogen है उधर जाके जुड़ेगा, जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है, द कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, देयर दिस हाइड्रोजन गोज एंड अटैच, और जो नेगेटिव पार्ट है वो किधर जाता है, जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो इधर आके ऐड होगा. इस रूल को क्या कहते हैं, मार्कोनी कॉक्स रूल. ये रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड गोज टू द कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. लेकिन इसी में अगर मैंने पर ऑक्साइड डाल दिया तो उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जो है वो इधर अटैच होगा, नेगेटिव पार्ट जो है वो इधर अटैच होगा, और स्ट्रेट चेन अल्किल हैलाइड हमको मिलेगा. तो हम डिटेल में इधर ये रिएक्शन लिखते हैं. जब CH3CH2 को हम HBr से रिएक्ट कर रहे हैं और एक में पर ऑक्साइड नहीं है, नो पर ऑक्साइड, और एक में पर ऑक्साइड है, तो जब पर ऑक्साइड नहीं है तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनी कॉक्स रूल, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो CH2 को जाके मिलेगा, नेगेटिव पार्ट जो है वो मिडिल कार्बन एटम वेयर हाइड्रोजन एटम्स आर लेस, देयर इट गोज. और पर ऑक्साइड में क्या मिलेगा हमको, CH3 CH2 CH2 एंड Br इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड. ओके, इज इट क्लियर फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, और जो सब्सटेंस इस एडिशन को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, जैसे बैंक में कभी डेबिट होता है तो किधर तो क्रेडिट होता है, उसी तरह से अगर किधर ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का तो
रिडक्शन जरूर हुआ होगा, तभी किसी का तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोस रिडक्शन। हमारे पास ऐसे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। एक है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7। इनमें से दो, इन दोनों में से किसी को भी यूज करके अल्कोहल को इन प्रेजेंस ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर हम हीट करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग एसिड मिलता है। व्हेन वी हीट अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 वी गेट करस्पॉन्डिंग एसिड। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड वी गेट एसिटिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, इथेनॉइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एसिड्स।